हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई सभी हो रहे सुबह के 7 to, चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। थोड़ी देर पहले उठा था गाइस मैं, अब तक ब्रश कर लिया है, शूज़ पहन लिया है, जा रहा हूँ अपने डेली रूटीन पे जिम को। सर्दी है गाइस, बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी लग रही है मुझे तो। कल तो बारिश भी नहीं आई, कल तो धूप थी, पर भी सर्दी है। ये क्या है, फिर से आज कुछ नया है क्या? चलिए देखते हैं कल का सीन क्या रहता है। ये तो कल के लिए ब्लॉग शेड्यूल्ड है, अब ये ब्लॉग मंडे आएगा। कल कहीं गए तो जाऊंगा फ्रेंड के साथ में, तो प्लान बनता है कैंसिल हो जाता है बारिश के वजह से। मूवी तो जाना है गाइस, मन तो कर रहा है जवान मूवी जाने का, शाहरुख खान की, पर टिकट बहुत महंगी है। सो गाइस फिलहाल आ गया था मैं घर पर 15-20 मिनट पहले, ही गेम खेल रहा था फ़ोन पर, आते के मार्केट जा रहा हूँ। एक तो हॉल्स लाना है, गल्ले की गोली, और ब्रेकफास्ट लाना है बाहर से, मेरे लिए नहीं, भैया और दीदी के लिए। मैं नहीं खाऊँगा, नहीं भाई नहीं खाना है हमको, इतनी मुश्किल से कर रहे हैं हम लोग डाइट वाइट वगैरह, जिम वगैरह, अब पूरी मेहनत बेकार पानी में चली जाएगी, इसीलिए मैं तो नहीं खाऊंगा। ऐसे तो भैया ने डोसा मंगाया है, भैया और दीदी ने एक डोसा और उपमा मंगाया है। उपमा देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि उपमा तो लाइट है ना, पर उन लोगों का उपमा तो फुल घी भी सब रहता है गाइस, घी पूरा डाल के वगैरह, देखते हैं। उधर जाके टेंट हो जाऊँगा मैं, पक्का कुछ ना कुछ तो ले लूँगा, पर कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। बाय हॉल्स है, हॉल्स विच वेब विच दो उपमा और एक प्लेन डोसा 500। नाश्ता ला लिया मैंने, 175 के 3 चीज़ें है गाइस खाली। उपमा 60 रुपीज़ का है, बाप रे बाप, इतना सा उपमा लिया खाली 60 रुपीज़ का। स्मेल तो ज़बरदस्त आ रही है भाई, मैंने मेरे लिए कुछ नहीं लिया भाई, कुछ नहीं लिया। A few moments later. गाइस फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ दुकान को, टाइम 11:40 हो रहा है टाइम, हाथ में बहुत सारा सामान है इसलिए हाथ नहीं उठ रहा है मेरा। लंच बॉक्स है दो डैडी का और मेरा, और एक कवर है। गाइस फाइनली मेरा डेबिट कार्ड और लाइसेंस आ गया है, मतलब गाइस मैं अलमारी खोला चेक करने के लिए लाइसेंस की, मतलब वो जो मिली थी ना मुझे जिस दिन मुझे लाइसेंस मिला था, पेपर मिला था ना स्लिप, उसमें एक नंबर होता है वो गूगल पे डालना होता है जिससे मालूम पड़ता है लाइसेंस कब आएगा। तो मैंने अलमारी खोला, मैं पेपर निकालने के लिए चेक करने के लिए कब आएगा, ड्रेसिंग ड्रॉर खोला, सामने डेबिट कार्ड और लाइसेंस, मैं तो शॉक हो गया, अरे कब आया। मम्मी से पूछे तो मम्मी को पता नहीं, कहते अब मम्मी भी 2-3 दिन से बाहर जा रहे हैं, भैया थे घर पर, शायद भैया थे जब आया होगा, भैया ने बोला भी नहीं। चलिए फाइनली डेबिट कार्ड लाइसेंस आ गया है, दुकान जाऊँगा डैडी को दिखाऊँगा, और जो भी है डेबिट कार्ड की पिन डालेंगे वगैरह। मेरा बैंक अकाउंट तो खुल गया, अब UPI पेमेंट भी खुलेगा वगैरह, सब कुछ खुलेगा। फाइनली लाइसेंस आ गया है, अब कार चलाने को मिलेगा रोड्स पे। ओके चलिए फिलहाल तो दुकान जाते हैं सबसे पहले। ओके लेट्स गो। लेटर दैट सेम इवनिंग, अम्मा थक गए भाई, अम्मा 6:57 हो रहा है गाइस, क्या बताओ आज मैं दुकान पर इतना बोर हुआ, सच्ची में इतना ज़्यादा बोर हुआ, कुछ नहीं था करने को, निकल गया आ गया मैं घर को। चलिए फिलहाल तो आज कुछ भी व्लॉग ही नहीं बना है यार, फिलहाल ऐसे कल का कुछ प्लान है तो नहीं, पर भी देखते हैं, कुछ भी प्लान नहीं है अभी तो फिलहाल। कल सुबह उठेंगे, शाम मंदिर जाएंगे, ओके अब से एवरी संडे शाम मंदिर जाऊंगा मैं। ओके और शाम मंदिर से आने के बाद संडे है गाइस कल, तो
पता नहीं क्या होगा, कैसा जाएगा हमारा दिन, क्योंकि संडे तो हमें बोर होता है, बस बहुत ज़्यादा बोर होता है। और अगर कहीं गया तो भी कुछ खाने को कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत कुछ खा नहीं सकते हम लोग। चलिए देखते, फिलहाल अभी तो जिम जाना पड़ेगा, मम्मी बोल रहे जाओ, डैडी ने भी बोला था जाओ, क्योंकि कल संडे है, कल तो जिम बंद रहेगा। वैसे जाने का मन तो नहीं है यार, आँखों में नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। चलिए जाते हैं जिम, क्या कर सकते हो, जैसे जिसकी सोच, जैसे जिसकी किस्मत, लेट्स गो। The next day. So hey guys, good morning. This is the next day. अभी हो रहा है सुबह के 6:02। मतलब सीन ऐसा था, कल जिम चले गया था, जिम से आ गया था, आने के बाद गाइज ब्लॉग करने का मन ही नहीं करा, थक गया था मैं बहुत। हालांकि उतना जिम नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, आधी घंटा किया मुश्किल से, अभी तो आधे घंटे में से भी टाइम पास ही किया जिम में जाकर, क्योंकि सुबह जा रहा हूँ ना जिम, तो शाम में, अब मैं शाम में भी अगर जिम जाऊँगा वैसी सेम मेहनत करूँगा सुबह की तरह, तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। पहले बहुत भूख लग रही है गाइस, कितना कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, सच्ची में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, ऐसे ही करना है मुझे कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल नहीं कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही कंट्रोल करना है। मतलब कल मम्मी ने आलू के परांठे बनाए, पनीर की सब्जी थी, तब बोला मुझे खा लो खा लो, इवन ये भी पूछा क्या खाना है, कुछ और खाना है तो बोलो, मैंने सोचा बाहर से मंगा देंगे, पर मैंने नहीं बोला, कंट्रोल किया मैंने, बहुत कंट्रोल किया, फाइनली कुछ भी नहीं खाया। चलिए फिलहाल अभी का सीन ऐसा है, मतलब फिर सो गया था मैं, उसके बाद नींद आ गई थी मुझे, अब फिलहाल गेमिंग वीडियो बना लेते गाइस एक के, उड़ गया गाइस मैं 5 बजे से, था 5:15 उड़ गया, उठते के डायरेक्ट बाथरूम में चले गया नहाने, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, डायरेक्ट उठते के नहाने गया, अब फिलहाल नहाकर आ गया हूँ। 6:04 हो रहा है, 7:00 तक निकलने का प्लान है श्याम मंदिर के लिए, ओके श्याम मंदिर जाएंगे संडे नाच। फिलहाल तो अभी मैं फ़ोन को चार्जिंग लगा देता हूँ और दूसरे फ़ोन पे गेमिंग वीडियो बनाते हैं, ओके। चलिए 1 hour later। सो गाइस फिलहाल अब हो रहा है 6:56 और निकल रहा हूँ मैं मंदिर के लिए, 7:30 का उससे पहले पहुँचूँगा गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया था जब मैंने दिखाया था ना, 15 मिनट में 12 किलोमीटर कंप्लीट कर डाले थे मैंने, हालांकि जब मैं थोड़ा तेज़ तेज़ गया था, पर अब हल्लू जाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि रात को तो बारिश आई है ना, रोड्स कच्चे हो गए क्या, हो रहे हैं कच्चे ही छोड़े, तो थोड़ा बहुत स्लो ही जाना पड़ेगा, वरना लास्ट टाइम की तरह फिर गिर जाएंगे हम लोग, ओके। चलिए जाते हैं मस्त शाम मंदिर, शांति, थोड़ी शांति मिलेगी उधर जाकर मुझे, ओके लेट्स गो।